वोट डालकर जैसे ही बाहर निकले ओवैसी तो कांग्रेस और बीजेपी पर ऐसे भड़क उठे। अपनी जीत को लेकर AIMIM चीफ ने कर दिया बड़ा दावा। वोटिंग वाले दिन कैमरे पर ऐसा बोलकर मचा दिया तहलका। तेलंगाना में आज हो रहे मतदान में आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटी और बड़े बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक पोलिंग बूथ पर जाकर परिवार के साथ मतदान किया। हैदराबाद में वोट डालने के बाद ओवैसी ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा, मैं हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तेलंगाना के गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत कीजिए। घर से निकलिए और अपना वोट डालिए। हर वह शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो मतदान करे। उन्होंने आगे कहा, अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो वोट डालिए। वही ओवैसी इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर गरजे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि जरा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आईन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत जरूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं MCC का वायलेशन ना हो जाए, आपकी TRP तो बढ़ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है। वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकलकर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी, और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है वो कैसे होगा? जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग यही समझेंगे, नहीं भाई, शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, TV देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए, आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए, आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए, मगर आके वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं भाई, महिला हो, पुरुष हो, मर्द हो, इन सब को वोट डालना है, और फर्स्ट टाइम वोटर के तो बहुत जरूरी है। ये इस देश का मुस्तकबिल तो आपके हाथ में जाएगा ना, जो आज फर्स्ट टाइम वोटर है, कल आप इस देश को चलाएंगे, इस देश की को आगे लेकर जाएगा आपके मजबूत कंधों के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को चाहिए कि वो निकल कर आए, और ये जो अगर आप में थोड़ी काहली हो रही है, फौरन छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, वोट डालिए, और अब ये मुल्क को आगे लेके जाना है। तो नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जिनका नाम आ चुका है वोटर लिस्ट में और जो एलिजिबल है वो निकल कर वोट डाले। आपको बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं। इस बार यहाँ BRS और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। AIMIM BRS के साथ मिलकर हैदराबाद और उसके आसपास के सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसमें से 60 सीट पर पार्टी को जीत मिली थी। ऐसे में अब देखना होगा इस बार तेलंगाना में ऊंट किस करवट बैठेगा। आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।